दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर फोन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जोरदार तालियों के लिए। आप लोगों ने खड़े होकर के मेरे लिए तालियां बजाई, उनके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। आप सभी सफलता की चाह रखने वाले जावांस टाइगर्स को मेरा नमस्कार। कैसा लग रहा है कार्यक्रम? मजा आ रहा है? बिल्कुल, एक से एक तगड़े डायमंड आए हैं। काम तो पूरा इन्होंने ही कर दिया है, लेकिन आपके बीच में हूँ, आपसे रूबरू हूँ, जरूर मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा। नकल की बात कर रहे थे भैया, प्लान की नकल करनी है और कुछ भी नहीं करना, तो लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। बात सही है कि नहीं? कई बार ना गलत चीज़ों की नकल कर लेते हैं। दो दोस्त थे, दोनों ही दिल्ली में रहते थे, किसी विशेष टेस्ट की तैयारी कर रहे थे वो। तो एक जो था वो खूब पढ़ता था दिन भर रात भर, दूसरा जो है मजेलेलो.com पे ही बैठा रहता था, न कुछ पढ़ता था न कुछ करता था। उसका साथी बोलता था, भाई तुझे टेस्ट देना है तो तू भी पढ़ ले। बोला, भाई मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, तू पढ़ रहा है मैं तेरे से ही सीख लूंगा। टेस्ट का दिन आ गया, अभी वो जो पढ़ता था पहले नंबर उसका आया। बोला ठीक है भाई मैं जाता हूँ। बोले ठीक है भाई जा। वो गया अंदर और उससे कुछ सवाल पूछे गए। सवाल नंबर एक था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो उन्होंने बताया जवाहरलाल नेहरू। बोले बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि देश कब आजाद हुआ था? तो बताया प्रयास तो सन 1800 से किया गया था, लेकिन सफलता 1947 में मिली थी। बोले बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सवाल तीसरा पूछा कि पृथ्वी गोल है या प्लेन है? तो उन्होंने बताया कि अभी वैसे प्रयास जारी है वैज्ञानिकों का भी, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, ठीक से स्पष्ट कोई नहीं कर पाया कि गोल है या प्लेन है। बोले बहुत बढ़िया, आप सेलेक्ट हो गए, आप जाइए। बाहर आया खुशी खुशी, बोले यार मेरा तो हो गया सिलेक्शन। बोले यार ठीक है, तू ये तो बता क्या पूछा था? बोले पहले सवाल बताऊं कि जवाब? बोले सवालों को तू रहने दे, जवाब जवाब लिखवा दे, बहुत देर लगेगी, इतनी देर में मेरा नंबर आएगा। जवाब जवाब, पहले का क्या था, दूसरे का क्या था, तीसरे का क्या था, ऐसे ही करते हैं ना नकल में, यही होता है। की होगी, मैंने भी की है, तो पहले दूसरे का ही लिख लिया उसने, पहले का ये, दूसरे का ये और तीसरे का ये। अंदर पहुंच गया, नमस्ते किया सभी को, तो सबसे पहला सवाल पूछा कि आपका नाम क्या है? तो आंसर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनको थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन बोला शायद हो सकता नाम हो भाई, नाम तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा सवाल पूछा कि आपकी जन्मतिथि क्या है? तो बताया प्रयास तो सन 1800 में किया गया था, लेकिन सफलता 1947 में मिली। और सवाल नंबर 3 पूछा, बोले यार ये आदमी है कि गनचक्कर है। बोले तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है। बोले वैज्ञानिक अभी परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अभी सिद्ध नहीं कर पाए कि कैसी है। तो भैया नकल तो करनी है, लेकिन ऐसी वाली थोड़ा बहुत आपको भी विवेक दिया है उसको भी लगाना है। लगा पाएंगे? आज मेरा मूड नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा जोश दूँ, एकदम एक्साइटमेंट दूँ, क्योंकि पहले से आप लोग परिचित हैं और बहुत सारी ऑडियो वीडियो आप लोग सुनते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों एक कहावत है जो हमेशा बोली जाती है और मैं इस पर अपनी तरफ से 100% खरा उतरने की कोशिश करता हूँ, चीनी दूध और चावल को मिलाया जाता है तो उसे खीर कहते हैं। यस या नो? और मुर्दों को भी डायमंड बना दे उसे जसबीर कहते हैं।